वेलकम क्रिप्टो यूजर्स, एक नए शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पाई नेटवर्क लॉन्चिंग कन्फर्म। जी हाँ, 2024 में वो गुड न्यूज, वो घड़ी आ चुकी है, आने वाली है बेसिकली, जिसका हमें यार बेसब्री से इंतज़ार था कि यार बेसिकली पाई नेटवर्क कब लॉन्च हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक बड़ी निकलकर खबर आ रही है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट टुडे में आई निकल कर आई है, जो कि नेटवर्क अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, जहाँ पर पाई नेटवर्क ओपन प्लान यहां पर लॉन्च किया गया है, जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा गया है कि प्लेस अनाउंस दैट इंटेंट टू गो ओपन द नेटवर्क पीरियड ईयर 2024। तो यहां पर एक बड़ी कंफर्म न्यूज है जिसके बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे, और इन्होंने तीन बड़े प्लान बताए हैं जिसके पूरा होते ही 2024 और इसके साथ ही कुछ दिनों में यहाँ पर पाई नेटवर्क बेसिकली लॉन्च हो जाएगा। ये बड़ी बिग न्यू अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। तो पाई नेटवर्क से रिलेटेड अगर किसी भी वीडियो को चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले लेटेस्ट तौर पर मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर इस न्यूज में क्या है, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर इन्हें अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि तीन शर्तों पूरी होते ही 2024 में यहाँ पर पाई नेटवर्क बेसिकली जो मेननेट है यहाँ पर अवधि पूरी हो जाएगी, और इस तिथि के बाद से यार यहाँ पर पाई नेटवर्क बेसिकली कॉइन लॉन्च हो जाएगा। अभी बेसिकली क्या चल रहा है, तो बहुत सारी इन्होंने यहाँ पर चीज़ें बताई है। केवाईसी के ऊपर भी पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट दी है, एक बड़े फिगर बड़े यहाँ पर नंबर इन्होंने बताए हैं इनकी टीम के द्वारा। इसके साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि यार जो यहाँ पर जो 2024 में जो पाई नेटवर्क लॉन्च होना है उसकी यहाँ पर इन्होंने डेट फिक्स नहीं करी है। पहले ही बता दे, अभी इन्होंने ईयर फिक्स किया है कि 2024 में यहाँ पर इसका मेननेट आ सकता है। बेसिकली यहाँ पर डेट अभी कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी मंथ हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है कि यार इन्होंने तीन शर्तें रख दी है। अगर आप यहाँ पर कन्फर्म तौर पर देखेंगे तो तीन टीम ने स्पष्ट कहा है कि जब तीन शर्तें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर चीज़ें हो जाएगी, जिसमें पहली इन्होंने शर्त यहाँ पर जो 2024 में पूरी होने के लिए दी है, उन शर्तों को अगर हम यहाँ पर विस्तार से दें तो पहली शर्त इन्होंने रखाई है कि पाई नेटवर्क की रणनीतियों का पालन करते हुए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बिजनेस एंड लीगल फॉलोइंग द स्ट्रक्चर, ठीक है, कुल मिलाकर अगर मैं बताऊँ तो कानूनी क्षेत्र में किसी भी ओपन नेटवर्क तैयारी कार्य को पूरा करें। पहला यहाँ पर ये काम दिया गया है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, किसी भी टोकन को लॉन्च होने में, किसी भी टेक्नोलॉजी को आने में समय तो लगता है और चीज़ें भी अपने आप में होती है। तो यहाँ पर इन्होंने तीन वर्क दिए हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बिजनेस और लीगल कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो कि अभी यहाँ पर पाई नेटवर्क को पूरी करनी है। तो यानी कि व्यावसायिक बिजनेस वाली और लीगल जो पक्ष में काम को छोड़कर इस तरह की कार को अधिकांश टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट माइलस्टोन जारी किए गए V2 रोड मैप में विभिन्न परियोजनाओं के तहत इन्होंने सूचीबद्ध किए हैं। अगर आप इस न्यूज को यहाँ पर विस्तार से समझे तो यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल में बताया है। तो मैं आपको बताऊँ तो कुल मिला के एक माइलस्टोन हासिल नहीं किया गया है, और आज जारी किए गए V2 रोड मैप को बाद में अधिक पूरक और परिदृश्य किया जाएगा, और साथ ही माइलस्टोन की स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर अपडेट की जाएगी। तो इस स्थिति को हासिल करने का काम मुख्य तौर पर कोर टीम को दिया जाएगा, यानी कि ये जो काम है ना, ये कोर टीम करेगी यहाँ पर, और फिलहाल हम शर्त एक को पूरा करने की राह पर है। यानी कि जो पहली शर्त पाई नेटवर्क बेसिकली जो टोकन है लॉन्च होने के लिए जो शर्त थी, वो थी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बिजनेस लीगल की जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरी करने की, और ये कोर टीम को कार्य दिया गया था, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम काफ़ी हद तक ट्रैक इसको कर रहे हैं और फुलफिल करने की कंडीशन में आ चुके हैं शर्त नंबर कंडीशन नंबर 1 को, ठीक है। तो ये एक बड़ी यहाँ से सफलता हासिल लग रही है, जो कि यार काफ़ी समय से इसका वेट कर रहे थे। अच्छा, सेकंड यहाँ पर कंडीशन निकल कर आ रही थी जो यहाँ पर देख सकते हैं, वो है नेटवर्क की KYC और माइग्रेशन एंड यूटिलिटी क्रिएशन, ये तीन चीज़ें थी। अब इसमें भी एक बड़ी सफलता, एक बड़ा फिगर यहाँ पर हाथ लगा है, यानी कि देखिए सबसे बड़ा जो कम्युनिटी को उसका था इंतज़ार, वो था नेटवर्क की KYC, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि सर हम KYC नहीं कर पा रहे हैं।
और यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी पाई नेटवर्क के केवाईसी में, लेकिन इन्होंने कुछ फिगर यहाँ पर बताए हैं। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने केवाईसी और माइग्रेशन के ऊपर बताया है कि 15 मिलियन पेनर्स हैव पास्ड केवाईसी इंक्लूडिंग फुली एंड टेंटेटिवली केवाईसी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, एक बड़ा फिगर दिया है कि 15 मिलियन ऐसे पाइनर्स है जो कि यार जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है इंक्लूडिंग फुली और टेंटेटिवली, यानी कि आधी अधूरी, हाफ केवाईसी हम कह सकते हैं। और एक और फिगर इन्होंने दिया है जहां पर बताया है 10 मिलियन पाइनर्स ऐसे हैं जिनकी माइग्रेशन ऑफ द मेननेट यानी कि फुली केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, जो टोकन को यहाँ ऐसे यूज़ भी कर पा रहे हैं। तो ये दो बड़े फिगर बहुत बड़े हैं केवाईसी को लेकर, जो लोग कहते थे कि यार साला टोकन ही बेकार है, इसका तो केवाईसी नहीं होता है, पाई नेटवर्क केवाईसी प्रोसेस में बताता है कंप्लीट या डन नहीं होता है। तो ये बड़े फिगर है जो इनकी तरफ से किए गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर जो कि इन्होंने अपने ब्लॉग के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने ये बताई है कि 2021 में जब पाइनर पेपर के रोड मैप के साथ जो उद्देश्य थे उसके हिसाब से ब्लॉकचेन पर केवाईसी पहचान करने के लिए यहाँ पर इन्होंने शुरू किया गया था। अब इनका उद्देश्य क्या था? दुनिया के सबसे बड़े पीयर टू पीयर इकोसिस्टम और पाई द्वारा संचालित ऑनलाइन अनुभव के निर्माण के लिए पाई दृष्टिकोण के नेटवर्क और इकोसिस्टम तंत्र की सफलता के लिए सर्वोपरि थे, इसलिए यहाँ पर बताया गया था। और उसी के अनुसार 2024 के भीतर इन्होंने यहाँ पर यह शर्त रखी थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर पाई नेटवर्क बेसिकली काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा है, तो अब जाके बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई है और ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और इतने पाइनियर्स अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, यूटिलिटी के ऊपर भी इन्होंने कुछ बताया है। यहाँ पर बताया है 100 रियल पाई एप्स जो मेननेट पर है और मेननेट तैयार है, पाई नेटवर्क प्लेटफॉर्म नीतियों का अनुपालन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर ये भी है। तो चार अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से इन्होंने यूटिलिटी को बताया है कि किस टाइप से पाई नेटवर्क 100 एप्स मेननेट पर है। तो एक अच्छी चीज़ है यार केवाईसी बेसिकली। नीचे और ये कुछ बता रहे हैं जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि वर्तमान में डेटा 8 मिलियन केवाईसी पाइनर्स से है, जिसमें पूर्ण और अस्थायी रूप से केवाईसी 3.9 मिलियन अपग्रेड और लगभग 440 रियल पाई एप्स शामिल है, जिन्हें हमने जितने भी उनके कुछ मानक वगैरह रहते हैं उन्हें पूरा करने वाला माना है। हालांकि कई और भी ऐसे मैननेट पाई एप्स और यूज़रकर्ताओं के समूह है जिसे वर्ष के दौरान बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट बोला है कि 8 मिलियन केवाईसी ऐसी पाइनर्स की ऐसी है जो कंप्लीट है, ठीक है, और अस्थायी रूप से भी 3.9 मिलियन अपग्रेडेड और लगभग 40 वास्तविक पाई एप्स शामिल भी है। तो एक अच्छे फिगर यहाँ पर इन्होंने बता दिए हैं कुल मिला के, जो कि आप लोगों को जानना काफ़ी हद तक है। अच्छा, तीसरा और इन्होंने कंडीशन रखी, उसके बाद ये तीसरी कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो पाई नेटवर्क बेसिकली लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिकूल बाहरी वातावरण का अभाव जो ओपन नेटवर्क की सफलता में बाधक है, तो इन्होंने कंडीशन को भी बताया है कि देखिए जब क्रिप्टो मार्केट की जितनी भी घटनाएँ हैं वो दुनिया भर में जिस टाइप से चलेगी उस हिसाब से यहाँ पर ओपन नेटवर्क लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टीम के भैया हार्ड वर्किंग टीम ने हार्ड वर्क किया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें रिस्क में नहीं डाली जाएगी। तो चीज़ों को भले ही समय लग जाए, ये कह रहे हैं भले ही पाई नेटवर्क टोकन लॉन्च होने में समय लग जाए लेकिन चीज़ें होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने स्पष्ट कर दी है। हालांकि ये कंडीशन ये नहीं कह रहा है कि 2024 में लॉन्च हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि गारंटी नहीं है कि 24 में लॉन्च हो जाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा नेट आर्टिकल में इन्होंने बताया भी है FAQ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, अगर आपके मन में इसी टाइप का है कि जो पाइनर्स समुदाय ओपन नेटवर्क की दिशा में हमारी प्रगति में कैसे योगदान दे सकता है, तो उस टाइप का भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। आप इसको पूरा डिटेल में समझ सकते हैं, हालांकि मैं एक और पार्ट इसका लेकर आऊँगा जिसमें एक एक क्वेश्चन को विस्तार से बताऊँगा। तो कुल मिला के अभी ये स्थिति है। तो आई होप यार पाई नेटवर्क से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको मिल गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नमस्कार।